हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम सब फ्रेंड इस वीडियो में 12 मई का टॉप करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे करंट अफेयर्स एंड फ्रेंड ऑल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक फ्रेंड जरूर कर दें, और फ्रेंड अपना बेल बटन फ्रेंड जरूर ऑन कर लें, ताकि फ्रेंड जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ फ्रेंड उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा प्रशासन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में कौन सा भारतीय व्यक्ति में चुना गया? इसका आंसर है मुकुल मुद्गल, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय सेना काउंटर आतंकवादी परिचालनों की स्थायी सुविधा के रूप में सीएएसीई को फिर से पेश करेगी सीएओ क्या है? फ्रेंड इसका आंसर है बी कार्डन और सर्च ऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र दिवस वेसाक 2017 की मेजबानी कर रहा है? फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी श्रीलंका। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो है, एंड फ्रेंड्स यहाँ की करेंसी की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ की करेंसी श्रीलंकाई रुपया है, ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शहरी क्षेत्रों में लोगों को किफायती पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी राज्य सरकार सर्वेक्षण करेगी? फ्रेंड्स इसका आंसर है हरियाणा। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी दो कैपिटल हैं चंडीगढ़ और पंजाब, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अपने किस देश को 75 मिलियन उच्च तकनीकी रासायनिक सुरक्षात्मक कपड़े स्वीकृत किए थे? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, एंड फ्रेंड्स यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, और फ्रेंड्स यहाँ की अगर करेंसी की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2017 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुषों की ग्रीको रोमन 85 किलोग्राम श्रेणी? इसका आंसर है ऑप्शन बी अनिल कुमार। देखिएगा, करण सिंह जो हाल ही में निधन हो गए हैं किस भारतीय राज्य मंत्री थे? फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, एंड फ्रेंड्स यहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो फ्रेंड्स के यहाँ के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी वीके सेरावत, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रांस में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए विनय मोहन क्वातर। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है फ्रांस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स तो आपका इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विनय मोहन क्वातर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस वीडियो का फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। 2017 अंतरराष्ट्रीय नर्स डे IANDE का विषय क्या है? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नर्सिंग नेतृत्व करने के लिए एक आवास टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका आज का फ्रेंड्स हमारा क्विज प्रश्न देखते हैं। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड अपना बेल बटन फ्रेंड जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड फ्रेंड थैंक यू सो मच।